तो मेरे भाइयों, जब भी हम किसी नए इंसान से बात करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसके फेस पर जाता है। इसीलिए हम लोग अपने चेहरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि हम सामने वाले इंसान को अट्रैक्टिव लग सकें। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई हमारा फेस दिखने में अच्छा नहीं लगता। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा फेस दिखने में अट्रैक्टिव लगे? अब भाई आपके फेस का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी नाक और आंखें कैसी है, वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने फेस को काफी अच्छा बना सकते हो। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनसे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने फेस को और भी अट्रैक्टिव बनाने में। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अगर आप कोई भी बात मिस नहीं करना चाहते तो आपको इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, गुड स्किन केयर रूटीन। भाई अगर आपके चेहरे की स्किन बहुत बेजान और रूखी सूखी रहती है या आपको पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपका चेहरा दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगेगा। इसीलिए अगर आप एक ग्लोइंग और पिंपल फ्री स्किन चाहते हो जिससे आपका फेस दिखने में अट्रैक्टिव लगे तो आपको एक अच्छे से स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होगा, क्योंकि जब आप रेगुलरली एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करते हो तो वो काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन की क्वालिटी को मेंटेन करने में। अब एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको इन दो चीजों को फॉलो करना है, जिसमें पहला है CTM रूटीन, जिसके बारे में मैं आपको अपनी स्किन केयर वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। इस रूटीन में बेसिकली ये करना होता है कि आप पहले अपने चेहरे को फेस वॉश से वॉश करते हो, फिर उसके बाद आप टोनर अप्लाई करते हो अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, और टोनिंग के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर का यूज करते हो। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को सुबह शाम डेली फॉलो करते हो तो इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी अपनी स्किन को ग्लोइंग और पिंपल फ्री बनाने में। CTM रूटीन के साथ साथ आपको दूसरी चीज ये फॉलो करनी है कि आप जब भी कहीं धूप में बाहर जाओ तो उससे 20 या 30 मिनट पहले आपको अपनी स्किन पर सनस्क्रीन को लगाना है, जिससे सूरज की हार्मफुल यूवी रेस आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 2, डार्क एंड वेल सेट आईब्रोज। भाई ये चीज आप लोगों ने काफी सारे मेल मॉडल्स में जरूर नोटिस की होगी कि उनकी आईब्रोज कितनी थिक और कितनी अच्छे से सेट हुई होती है, जिसकी वजह से उनका फेस दिखने में काफी शार्प और अट्रैक्टिव लगता है। अब अगर आपकी आईब्रोज इतनी थिक नहीं है और साथ ही में वो बहुत अजीब सी दिखती है तो आपको बस इन चीजों को फॉलो करना है। पहले तो आपको ये करना है कि अगर आपकी यूनिब्रोज है या आपकी आईब्रोज के बीच में या उसके आसपास में छोटे छोटे बाल आते हैं तो उनको आपको थ्रेडिंग करा कर रखना है, जिससे वो दिखने में पहले से काफी अच्छी लगेंगी। आपको बस अपने आईब्रोज के ऊपर के बालों को थ्रेडिंग कराना है, ना कि नीचे के बालों को। और आईब्रोज को थिकर बनाने के लिए आपको दूसरी चीज ये करनी है कि आपको आधे चम्मच कोकोनट ऑयल में एक विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करना है, फिर उसको आपको अपनी आईब्रोज पर हल्की हल्की उंगलियों से अप्लाई करना है। इसे आप रात को सोने से पहले अप्लाई करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोकोनट ऑयल और विटामिन ई के कैप्सूल को जब आप अपने आईब्रोज पर लगाओगे तो ये आपके आईब्रोज की ग्रोथ को बढ़ाएगा और साथ ही में उसे थिकर बनाएगा। इसके अलावा अगर आपको अपनी आईब्रोज को इंस्टेंटली डार्क और थिकर बनाना है तो आपको बस एक आईब्रो पेंसिल लेनी है, जिसको आपको अपनी आईब्रोज पर बहुत ही हल्के से अप्लाई करना है, जिसके बाद आपके आईब्रोज दिखने में काफी थिक और डार्क लगेगी। पॉइंट नंबर 3, हेयर स्टाइल एंड हेयर कट। भाई एक सही हेयर स्टाइल और हेयर कट आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बाल हमारे फेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, जिन्हें अगर हम अच्छे से स्टाइल कर रखते हैं तो उससे हमारे फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी उभर कर आता है। अब आपको अपने फेस के ऊपर किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए जिससे आपका फेस दिखने में और भी अट्रैक्टिव लगे, तो इसके बारे में मैं आपको अपनी हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस में काफी बार बता चुका हूँ। अगर आपने मेरी हेयर स्टाइल वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी हेयर स्टाइल प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उन्हें जाकर देख सकते हो। अब आप अपने फेस के ऊपर एक अच्छा सा हेयर स्टाइल तो रख लोगे, बट इसके साथ साथ आपको उनको अच्छे से मेंटेन करके भी रखना है, जैसे कि आपको महीने में 1 से 2 बार हेयर कट करवाना है और साथ में एक अच्छे से हेयर केयर रूटीन को भी फॉलो करना है, जिससे आपके बालों की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और साथ में आपका फेस दिखने में अट्रैक्टिव भी लगेगा। पॉइंट नंबर 4, बियर्ड एंड जो लाइन। भाई एक अट्रैक्टिव फेस का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नोटिसेबल पार्ट होता है जो लाइन। एक सही और शार्प जो लाइन आपके फेस के स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से हाईलाइट करती है। काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जो लाइन पहले से ही बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी जो लाइन पहले से ही काफी विजिबल है तो आप बहुत ही किस्मत वाले बंदे हो। बट इसके अपोजिट अगर आपकी जो लाइन सही नहीं है या आपका थोड़ा फैटी फेस है तो आपको एक अच्छी जो लाइन को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपने फेस के एक्स्ट्रा फैट को कम करना होगा, और वो आप कैसे कर सकते हो, जब आप रोज 1 से 2 घंटा कार्डियो एक्सरसाइज करोगे। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और करनी है जो आपकी जो लाइन को विजिबल करने में काफी मदद करेगी। क्या है वो चीज? वो है म्यूमिंग टेक्निक। अगर आपको नहीं पता कि ये होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर वाले हिस्से पर प्रेस करके रखते हो। ये एक्सरसाइज काफी इफेक्टिव है, जिसको अगर आप डेली परफॉर्म करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके फेस पर अच्छे से बियर्ड आती है तो आप अपनी बियर्ड के हेल्प से भी अपनी जो लाइन को काफी
काफी अच्छा दिखा सकते हो। बस आपको ये करना है कि आपको अपनी बियर्ड को एक प्रॉपर शेप में ढाल कर रखना है, और जो आपकी नेक का ये हिस्सा है इसको आपको अपनी चिन के नीचे के इस हिस्से तक रेजर की हेल्प से क्लीन करना है। इससे आपकी जो लाइन दिखने में काफी अच्छी लगेगी। इसके साथ साथ आपको अपनी बियर्ड की हेयर लाइन के ऊपर के छोटे छोटे बालों को भी रेजर की हेल्प से रिमूव करना है, या आप उन्हें 0 नंबर की ट्रिमर सेटिंग से ट्रिम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, लिप्स एंड टीथ। भाई जैसे आपके बाकी फेशियल फीचर्स इंपोर्टेंट होते हैं आपके फेस को हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाने में, ऐसे ही आपकी अच्छी स्माइल भी बहुत इंपोर्टेंट होती है आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में। अब एक अच्छी स्माइल के लिए आपके होठों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और साथ में आपके दांतों का सफेद होना भी। अगर आपके होठों का कलर डार्क होता जा रहा है या आपके होठ फट रहे हैं तो आपको इन चीजों को फॉलो करना है। पहले तो आपको ये करना है कि जो चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको एक कटोरी में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें 1 चम्मच हनी ऐड करना है और साथ में उसमें 1/2 चम्मच शुगर को मिक्स करना है। फिर इसको आपको अपने होठों पर किसी सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश से अप्लाई करना है, और साथ में आपको इससे अपने होठों को 2 या 3 मिनट तक जेंटली मसाज करना है। फिर उसके बाद आपको अपने होठों को वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको अपने होठों पर किसी अच्छे से लिप बाम को अप्लाई करना है। इस प्रोसेस को आपको सिर्फ 2 से 3 बार करना है। अगर उससे ज्यादा करोगे तो आपके होठ डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा दांतों की बात करूं तो अगर आपके दांतों का कलर पीला पड़ रहा है तो आपको सिंपली ये करना है कि आपको अपने टूथपेस्ट में थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करके उससे ब्रश करना है। इसको आपको 2 से 3 बार करना है, जिसका आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप अपने फेस को और भी हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से देखना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।